ना अमेरिका ना पाकिस्तान, असली विभीषण शेख हसीना के घर में बैठा था। शेख हसीना का जीजा ही निकला असली गद्दार। अपने जिस जीजा पर शेख हसीना करती रही सबसे ज्यादा भरोसा, बांग्लादेश में वही रच रहा था तख्ता पलट की कहानी। बांग्लादेश की आर्मी चीफ को भारत ने दी चेतावनी, अगर हिंदुओं पर हुए हमले तो भारत की सेना बना देगी सबको धुआं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। शेख हसीना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कहते हैं किसी की लंका में आग लगानी हो तो सबसे पहले विभीषण को खोजना जरूरी होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने वाला भी एक विभीषण है, और वो कोई और नहीं बल्कि शेख हसीना का ही जीजा वकार है। इस वक्त बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका सबसे ज्यादा असर भारत पर पड़ रहा है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है, इसलिए लाखों लोग भारत के अंदर घुसपैठ भी कर सकते हैं, क्योंकि खुद शेख हसीना भारत में छुपकर बैठी हैं। पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। बांग्लादेश के विद्रोही अब ये मांग कर रहे हैं कि भारत शेख हसीना को बंदी बनाकर उन्हें सौंप दे। अमेरिका और ब्रिटेन ने बांग्लादेश की मदद करने से मना कर दिया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश भी एक मुस्लिम देश है, लेकिन आज दुनिया के 57 मुस्लिम देश कोई मदद उसकी नहीं कर रहे। यहाँ तक कि शेख हसीना को भी अपने यहाँ पनाह नहीं दे रहे, इसलिए सिर्फ आखिरी उम्मीद मोदी है। मोदी और शाह की क्या प्लानिंग है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे शेख हसीना के जीजा ने गद्दारी करके तख्ता पलट किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिसे जीजा समझकर भरोसा करती रही, जिसे बांग्लादेश की सेना का प्रमुख बना दिया, जैसे ही मौका मिला जीजा ने अपना असली रूप दिखाया, अपनी साली के खिलाफ ही चक्र भी उलझ दिया। बांग्लादेश में सेना का शासन शुरू हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश का सेना प्रमुख कौन है जानते हैं आप? बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज्जमान और शेख हसीना एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और शेख हसीना के जीजा हैं। बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी आर्मी के चीफ वकार उज्जमान की पत्नी बेगम सराहनाज कमालिका रहमान शेख हसीना के चाचा की बेटी है। जनरल वकार के ससुर और शेख हसीना के चाचा का नाम मुस्तफिजुर रहमान है। मुस्तफिजुर रहमान 24 दिसंबर 1957 से 23 दिसंबर 2000 तक बांग्लादेश सेना के सेना प्रमुख रह चुके हैं। वकार उज्जमान को जून 2024 में बांग्लादेश की सेना का प्रमुख शेख हसीना ने ही बनाया था, लेकिन तब नहीं सोचा रहा होगा कि जिसे वो दूध पिला रही हैं, वो आस्तीन का सांप है और वक्त आते ही ऐसा डसेगा जिसका कोई इलाज नहीं मिलेगा। अब पूरी क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। बांग्लादेश में वकार के आर्मी चीफ बनने के बाद अमेरिका ने शेख हसीना से अपना एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे शेख हसीना ने खारिज कर दिया। दावा किया जाता है कि इसके बाद अमेरिका ने बांग्लादेश सेना प्रमुख वकार से डील करी, जिसके बारे में शेख हसीना को पता नहीं था। हालांकि कुछ दिन पहले शेख हसीना ने खुद बताया था कि उनको जान का खतरा है और देश में सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। उस दौरान भी वकार शांत थे। जब आरक्षण को लेकर छात्रों ने धरना शुरू किया, उस दौरान भी वकार देखते रहे। इसके बाद जब पूरे बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए, उस दौरान भी देश के सेना प्रमुख देखते रहे और फिर अचानक से शेख हसीना से कहा कि आपके पास सिर्फ 45 मिनट का वक्त है, देश छोड़कर भाग जाओ। शेख हसीना को लगा था कि अपने जीजा वकार को सेना प्रमुख बनाकर वो सुरक्षित है, लेकिन वकार को सेना प्रमुख बनाना ही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि जिसके भरोसे बांग्लादेश की सुरक्षा थी वही तख्ता पलट का मास्टरमाइंड निकला। इस वक्त बांग्लादेश में सेना का शासन शुरू हो चुका है, शेख हसीना भारत में आई है, लेकिन मोदी सरकार क्या करेगी? क्या भारत दखल देगा? क्या भारत बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को बचाएगा? क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए पूरे भारत में मांग उठ रही है। भारत बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। तीन तरफ से भारत की ही सीमा लगी है। एक तरफ समंदर है यानी कि बंगाल की खाड़ी, एक छोटा सा हिस्सा वर्मा यानी कि म्यांमार से लगता है, करीब 413 किलोमीटर का। अगर बात करें भारत के राज्यों से सटी सीमा की, तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। ये वो सारे रास्ते हैं जहां से भारत के अंदर घुसपैठ हो सकती है। बीएसएफ ने 4096 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद अवैध आवाजाही को रोकने के लिए सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमेशा अत्याचार हुआ है, लेकिन अब इस तख्ता पलट का फायदा उठाकर हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश हो रही है, ठीक उसी तरह से जैसे धीरे धीरे पाकिस्तान ने अपने यहाँ से हिंदुओं को खत्म किया। अब बांग्लादेश में कट्टरपंथी वही कर रहे हैं। शेख हसीना आज पछता रही होंगी कि जीजा वकार पर भरोसा करके उसे सेना प्रमुख नहीं बनाती तो शायद आज बांग्लादेश के ये हालात नहीं होते।
एनएसए अजीत डोभाल और एस जयशंकर को मोदी ने खुली छूट दे दी है। इसके साथ ही बांग्लादेश के आर्मी चीफ और शेख हसीना के जीजा वकार को भारत ने खुली धमकी दी है कि अगर हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं शांत हुए तो मजबूर होकर भारत को बांग्लादेश के अंदर घुसना पड़ेगा।